नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। रियल फैक्ट जानने के लिए, समाज के बारे में जानने के लिए, इस समाज के में चल रहा जो आज का सिचुएशन है उसके बारे में जानने के लिए, और जो समाज को सुधारने में संस्थाएं लगी हुई हैं, जो लोग लगे हुए हैं उनके बारे में जानने के लिए बात करते हैं समाज के लोगों से, चर्चा करते हैं सीधा। नमस्कार सर, क्या नाम आपका? धर्मवीर चावला जी। धर्मवीर जी, क्या कहना चाहोगे, समाज आज किस डायरेक्शन में चल रहा है, किस तरह का समाज का माहौल चल रहा है? समाज में इस टाइम जो लोगों का विचार है वो नशे में है, नशे में चूर है, और नशा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आप किसी भी प्रांत में देख लीजिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, ये सब जगह बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ दिन हुए मेरे लड़के ने एक जगह गाड़ी रोकी और मुझे पूछने लगा, भाई ये लाइन किस चीज़ की लगी है? मैंने कहा भाई लड़का लड़की लगे हैं लाइन में, कुछ टिकट पिक्चर की खरीद रहे होंगे। कहता नहीं, देख के आओ। मैं देख के आया तो वहाँ शराब की लाइन थी, उसके अंदर जवान बच्चियाँ हमारी वो भी शराब की बोतलें खरीद रही थी। तो इस टाइम ये ज़माना नहीं है कि भाई लड़का ही पीता है, लड़कियाँ भी पीने लग गई हैं। इसको बचाने के लिए पूर्ण संत महात्माओं ने एक पीड़ा उठाया था, 8 दिन वहाँ पर रहकर सेवा करना और दवाई वगैरह उसको देना, ये सब उन्होंने बीड़ा उठाया। बहुत लोगों की शराब छुड़वाई, स्मैक छुड़वाई, जो नशे हैं पत्ते वाले नशे हैं जो आजकल लोग करते हैं कश्मीर में, भंग, धतूरा और स्मैक, ये सब नशों को छुड़वाया है उन्होंने। तो ऐसा करना हर इंसान के बस की बात नहीं है, और 134 मानवता भलाई के कार्य हमारे इस संसार में चल रहे हैं, जो कि हम चाहते हैं भाई सरकार उन कार्यों को देखे। और अभी तक जो भी चीज़ मीडिया ने हमारे को बताई वो डेरा सच्चा सौदा में कोई भी चीज़ प्रूफ से नहीं मिली, सब झूठ कहा। मुझको 50 साल नामदान लिए हो गए, 50 साल में मैंने एक भी कोई चीज़ नहीं देखी वहाँ पर जो गलत हो। समाज को जोड़ा है, समाज को तोड़ा नहीं, और लाखों लोगों को नशे से बचाया है और उनका घर भर बसाया है। क्या जो समाज को सही डायरेक्शन देने के लिए, जहाँ नशा मुक्त करने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है? सरकार तो कोई कदम नहीं उठा रही जी। शराब की बोतल पे लिखा आता है पीना गुनाह है, मगर लोग पीते हैं, लाइनें लगी हुई हैं, प्रांतों में बंद कर दी जाती है, और जब देखते हैं भाई कमाई कम हो रही है फिर दोबारा शुरू कर दी जाती है। तो घर घर में ये क्लेश है, दुख है, रोने भी पड़े हुए हैं कई घरों में, भाई कमाता नहीं कुछ भी और नशा रोज कर लेता है। जी। तो इसलिए हम सरकार से प्रार्थना करेंगे भाई, अपना गुरुजी हमारे राम रहीम सिंह जी संसार में इस सारे संसार को मुक्त करने के लिए आए हैं। कहा उन्होंने भाई हम सुई के नोके में से सबको निकालेंगे, तो यही मकसद है वो सुई का नोका, भाई सबको सच के राह पे चलाएंगे। फिल्में भी उन्होंने बनाई हैं, जो फिल्में उन्होंने बनाई हैं वो सच की राह की फिल्म है, कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाई जिसके अंदर बेहूदी गंदी बात हो, या तो देश के लिए बनाई है या सच्चाई और नशे के लिए बनाई है। कितने लोगों को बाबा राम रहीम जी ने सुधारा होगा, या कितने काम उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए किए हैं? 134 कार्य हमारे मानवता भलाई के चल रहे हैं, जिसके अंदर गरीब इंसान को मकान बना के देना, भूखे के घर में खाना पहुंचाना, आटा घी तेल उनको देना, ये सब सारी सासंगत को उन्होंने सिखाया। शिक्षा का दान देना, भाई जो बच्चा पढ़ रहा है फीस नहीं है वो सरसा में आए उसको फ्री पढ़ाया जाएगा, पैसे नहीं है उसका इलाज फ्री किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें गुरुजी ने की, और सबसे बड़ा कार्य किया वैश्याओं की शादी, जो करना बहुत मुश्किल है। यूपी से ये बेड़ा हजूर ने उठाया था, भाई हम घर घर भेजेंगे इनको कोठे पर और ये लड़कियों को वहाँ समझा कर लाएँगे। तो तब एक इंसान ने कहा था कि जी ये बहुत मुश्किल है, देश का राष्ट्रपति भी इस कार्य को नहीं कर सकता। तो हजूर ने कहा भाई मालिक की दया में रही तो हम इसको करेंगे, और करके दिखाया, क्योंकि
गुरुजी पर दुनिया विश्वास करती है, अपना तन मन धन शरीर तक दान देने के लिए तैयार बैठी है, ये एक विश्वास होता है गुरु का। डेरा सच्चा सौदा सच था, सच है और सच ही रहेगा, चाहे इस समय इसमें सरकार कितना ही लगा ले, वहाँ पर कोई झूठ कार्य न होता है न कभी होगा। वो तो मानवता और भलाई और नेक कार्यों का पाठ पढ़ाते हैं। जहाँ पर 6 करोड़ संगत क्या झूठ बोल रही है, 6 आदमी सच बोल रहे हैं, वो राजनीतिक है, राजनीतिक मामला है, पैसों का मामला है, उसके अंदर सब चीज़ लोग बिक जाते हैं और बिक कर फिर वो अपने जो चाहते हैं वो बोलते हैं, जो उन्होंने पैसा खाया हुआ है। इसलिए आपने उससे सचेत रहना है, बचना है, मीडिया की किसी बात पर नहीं जाना। मीडिया ने पहले 2 साल तक किस चीज़ को गलत दिखाया, ऐसा कभी हो सकता है 2 साल तक हो? लोग समझ गए हैं अब भाई, ये 2 साल तक दिखाने के बाद इसका मतलब है कि मीडिया बिकी हुई है। तो आपने वेश्या की बात की, आपने बोला कि गुरुजी ने एक मुहिम चालू की है भी कोठे से निकाला जाएगा, क्या कोई वेश्या कोठे से बाहर आई किसी के साथ रियल में, मतलब उसको निकाला गया उस गंदगी से? हाँ जी, बहुत वेश्याएं हैं, अपनी बेटी बनाकर उन्होंने शादी की, पहले उसका इलाज करवाया, फिर उसकी शादी की, पढ़ी लिखी है तो पढ़ी लिखी के हिसाब से किया उसका रिश्ता, और अनपढ़ है तो अनपढ़ घर में, आज बिल्कुल ठीक है, बच्चे भी हैं उनके अपने घर में, खुशी हैं, सुकून पा रहे हैं और अब खुशियों से अपना सब काम हो रहा है। ये खुशियाँ आम इंसान नहीं दे सकता। सर, वेश्या के साथ शादी कौन करवाता होगा, मतलब किस तरह के लोग तैयार हुए होंगे जो उनके साथ शादी करवाने के लिए तैयार हो गए हों? ये तो एक गुरु प्रेम प्रथा है, गुरुजी ने यहाँ तक भी चलाया, भाई जो लड़कियाँ टांगों से नहीं चल सकती, अपाइज हैं, उनकी शादी भी गुरुजी ने करवाई है। तो इसलिए गुरुजी ने जो कार्य करे हैं मानवता भलाई के, हमने देखा खुद, कहीं तूफान आया तो महाराज जी वहाँ पर खुद स्वयं पहुँच कर महीना वहाँ रहे और साथ संगत की सेवा की, अपनी फौज ग्रीनेस वेल्थ फोर्स ले गए साथ में, तूफानों से नहीं डरे, समुंदर से नहीं डरे, सब जगह पहुँच कर उनके मकान बना कर दिए, सब कार्य करा उन्होंने और आज भी कर रहे हैं, साथ संगत उनके हुक्म में चल रही है और चलती ही रहेगी। अगर इस तरह के काम उन्होंने देश हित में या समाज के हित में किए हैं तो उनके बारे में इस तरह से क्यों दिखाया गया, क्या रीज़न रहा होगा जो लगातार इस तरह की न्यूज़ उनके बारे में चलाएगी, या डेरा सच्चा सौदा के बारे में चलाएगी, या वहाँ जाने वाले लोगों के बारे में दिखाया गया, क्यों? देखो जी, ये राजनीतिक षड्यंत्र है बहुत बड़ा, जो लोग 6 करोड़ साथ संगत वहाँ पर जाती है, हम हर भंडारे में वहाँ पर गए और हमने देखा 2.5-3 करोड़ संगत वहाँ पर होती है, सड़कें बंद होती हैं और वहाँ पर सब कुछ जो भी होता है वो सच के रूप में ही होता है। आज अगर ये सब कुछ देखकर लोग जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, भाई इतना आदमी वहाँ पर जाने लगा, कल का संत है, तो संत कल का नहीं है, अपना दरबार तो बहुत पुराना है, साहब मस्ताना जी के समय का, बाबा सावन साई जी के समय का दरबार है। तो आज जो उन्होंने ये सब कुछ सौंपा गया इनको, ऐसे थोड़ा सौंपा है, संत संत की परीक्षा लेते हैं, उन्होंने इनकी परीक्षा लेकर इनको डेरा सौंपा है और उन्होंने बराबर साध संगत की सेवा की। कहा था भाई इस डेरे से उस डेरे तक थाली अगर फेंकेंगे तो ज़मीन पर नहीं गिरेगी, सिरों से ही पार हो जाएगी। आज वो समय आ गया, लोग जलते थे, भाई ऐसा क्यों होता है, मानवता भलाई के कार्य क्यों करते हैं? आप बताइए मेरे को, 2-2.5 करोड़ लोग वहाँ पर जाता था, बस में, रेलगाड़ी में, ट्रकों में, अपना किराया भाड़ा खर्च करके जाता था और उसके बाद समय भी अपना देता था, 2 दिन 3 दिन जिस जिसके बाद जैसा समय था वैसे समय निकाल कर वहाँ सेवा भी वो करता था। तो ये सब कुछ महाराज ने सिखाया, स्कूल में जो बच्चा गरीब है नहीं पढ़ सकता उसकी पढ़ाई का फ्री मतलब फ्री पढ़ाई उसको कराई, जो बच्चा या बड़ा है पैसे नहीं दे सकता उसके ऑपरेशन फ्री हुए, उनको दवाइयां फ्री दी गई और फैसिलिटी पूरी दी गई, उनके घर के लोग आज बैठे हैं सामने सामने, वो आपको बताएंगे कि भाई क्या सच है क्या झूठ है। ये लोग
छः करोड़ आदमी तो झूठ हो नहीं सकता और छः आदमी सच हो नहीं सकते, तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है, पैसा खाने की तरकीब है उनके पास और कुछ नहीं है। क्या आज समाज को जरूरत है उनकी? समाज को तो आज इतनी ज़रूरत है, जो लोग पहले नशा करते थे और छोड़ दिया, अब फिर नशे में आ गए, तो आप समझिए एक देश की स्थिति खराब हो रही है, उनके बिना नहीं सुधर सकती। जैसे टीचर बिना बच्चा नहीं पढ़ सकता, इसी तरह गुरु बिना ये समाज भी सुधर नहीं सकता। सरकार से क्या अपील करोगे उनके लिए? सरकार से अपील करेंगे भाई, आप सच की जांच करें और सच को देखें जो सच है, और सच के रास्ते पर चलकर गुरु जी को छोड़ दें। गुरु जी को छोड़ने से आप सबका भला होगा, सारे संसार का भला होगा उसके अंदर, और भला कर रहे थे, करते रहेंगे सबके लिए। गुरु जी दुआ करते हैं, आज वहाँ पर रहकर भी सबसे पहले अपनी साथ संगत का हाल पूछते हैं, सबके लिए दुआ कर रहे हैं कि भाई सब खुश रहें, अपने घर में रहें। वहाँ बैठकर भी लाखों कार्य वो अपने साथ संगत के लिए करते हैं, और देखो टीवी में दिखाया है जेल का रुख कैसे सुंदर बना दिया है, तो ये एक आदमी के बस का काम नहीं है, उसकी प्रेरणा है, वो प्रेरणा के जरिए सारा काम इस संसार में हो रहा है और होता ही रहेगा, कभी बंद भी नहीं होगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं रियल फैक्ट डेरा सच्चा सौदा का सेंट डॉक्टर गुरमीत रामरीम सिंह जी का, किस तरह से इन्होंने बताया कि समाज के लिए ऐसा संत जिन्होंने कोठे की वेश्या तक को अपनी बेटी बनाया, कैसा काम जो समाज के लिए एक बहुत ही, हम माने एक अलग कार्य जो उन्होंने समाज हित में चलाया। इस तरह के बहुत सारे कार्य जिसकी आज समाज को ज़रूरत है बाबा रामरीम जी ने चलाए, नशा मुक्त करना, बेटा बेटी को एक समान करना, और जो आज इन्होंने जिस तरह से बताया इस देश में बेटियां भी बेटों के बराबर खड़े होकर नशे की दुकानों में खड़ी हैं, उन नशे की दुकानों से जाने को नौजवानों से हटाया बाबा रामरीम जी। ऐसे काम बाबा रामरीम जी ने एक दो नहीं करोड़ों लोगों से समाज हित में कराए और समाज को सही डायरेक्शन में भेजने के लिए, समाज को एक सही डायरेक्शन में चलाने के लिए चलाए, और आज भी ऐसे संत की समाज को ज़रूरत है। ये लोग मांग कर रहे हैं सरकार से, इस समाज से, आपकी क्या राय है जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।